मैं किशोर दुलेपुरा प्रदेश अध्यक्ष कुमार मासपा राजस्थान। आज एक डेढ़ साल पहले नीमका थाना के सदर पुलिस थाने के अंतर्गत कोठड़ा गांव है उसके एक सोनू उसका घर में नाम तो सोनू है और वैसे अक्षय नाम है उस अक्षय को अपहरण कर लिया गया था। उनका लापता थे लगभग डेढ़ साल से और अभी 17 मार्च को होली के दिन एक इनके परिवार के व्यक्ति के पास एक व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है। इनसे 3 लाख रुपए की डिमांड की जाती है कि आपका बच्चा हमारे पास में है, आप लोग हमें 3 लाख रुपए दीजिए, हम आपके बच्चे को दे देंगे और कई तरह की उन्होंने बात की। और ये पीड़ित परिवार आज SP साहब से मिलने के लिए आया। जब ये सूचना आई, उनके पास रिकॉर्डिंग आई, तो इन्होंने सदर पुलिस थाना नीमका थाना को सूचना दे दी थी कि हमारे एक अनजान नंबर से इस तरह का एक ऑडियो मैसेज आया और 3 लाख रुपए की डिमांड किए। तो उन्होंने 17 तारीख को SHO सदर नीमका थाना को सूचना दे दी थी, लेकिन 10-11 दिन होने के बाद में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। इसी बात को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप के पास हम मिलने के लिए आए हैं और हम उनसे मिलकर एक डिमांड करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी इस मामले के आरोपी हैं जो इस मामले में फिरौती मांग रहे हैं और लगभग 3 लाख रुपए की वो जो डिमांड कर रहे हैं, इनको धमकियां देने कि आपके बच्चे के साथ में गलत कर दिया जाएगा, इन बात को लेकर हम SP साहब से मिलेंगे और हम उनसे निवेदन करें कि जल्द से जल्द इन आरोपियों पर कार्रवाई हो। और इस बात को लेकर पहले FIR दर्ज तो हो चुकी थी, आज उसी बात को लेकर मिलने के लिए ये उनके पिताजी हैं कैलाश जी और ये उनकी बच्चे की मम्मी है, ये तमाम लोग आज SP साहब से मिलने के लिए आए हैं।